ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डीपीएसपी का, आर्टिकल 51। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या बोल रहा है? स्टेट एंडेवर करेगा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। कभी भी आप फॉरेन पॉलिसी में लिख रहे हो, आपकी एक लाइन कॉमन होगी, और वो लाइन क्या होगी? वो लाइन ये होगी कि वी मस्ट प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एज वी आर गाइडेड बाई आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझिए, जब हम कभी भी ये बात करते हैं कि इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहिए, इंडिया को सिक्योरिटी देनी चाहिए अपने आसपास के रीजन में, तो हमें इस आर्टिकल को ध्यान रखना होगा और इस आर्टिकल को फ्रीली कोट करना होगा। जब कभी भी इंडिया किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करे, जब कभी कोई वॉर वगैरह होने की कंडीशन हो और इंडिया उसमें मीडिएट करने की कोशिश करे, या आपसे पूछा जाए कि इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए अफगानिस्तान प्रोसेस पे, अफगानिस्तान में जो भी बवाल चल रहा है तालिबान वाला, उसमें पूछा जाए इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए, आप क्या बोलेंगे? हमारा स्टैंड आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वी मस्ट प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वी हैव इंटरनेशनल ड्यूटीज टू अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी। नेक्स्ट, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, मतलब आपकी कोशिश क्या होगी कि आप दुनिया भर के जो भी नेशंस हैं उनके बीच में सही से रिश्ते, जस्ट रिश्ते बना करके रखें। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आप तीसरा पॉइंट पढ़ें, फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स विद वन अनदर। आप क्या बोलेंगे, अगर कभी कोई दो कंफ्लिक्ट, कोई कंफ्लिक्ट हो रही है, जैसे कि इसराइल और फलस्तीन वाली है, जैसे अफगानिस्तान है, यमन में सिविल वॉर चल रहा है, कोई भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट है, सीरिया में चल रहा है, कोई भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहां पर हमारा जो इंटरवेंशन होगा, हमारा इंटरवेंशन का आधार क्या होगा? इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटीज। हम क्या बोलेंगे कि हम इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटीज को प्रमोट करने की बात करेंगे, और हम बोलेंगे कि उसी के आधार पर हम इंटरवेंशन करेंगे, हम किसी भी तरह का आर्बिट्री इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हमारा जो भी इंटरवेंशन होगा वो इंटरनेशनल लॉ के द्वारा गाइडेड होगा। अगर कोई कंट्री ऐसा है जो इंटरनेशनल लॉ के डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को जब एक्सेस नहीं दिया था वकील का, जो हमारा वकील होता है वहां पर दूसरे कंट्रीज में, जिसको कौंसुल कहते हैं, और इस तरह के एक्सेस को कौंसुलर एक्सेस कहते हैं, जब पाकिस्तान ने वो नहीं दिया तो हमने क्या कहा? हमने कहा ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, ये वियना कन्वेंशन के सेक्शन 37 का उल्लंघन है, 36-37 का उल्लंघन है, इसलिए जो है पाकिस्तान पर हमने केस किया। कहां पर केस किया? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस किया, और वो केस हमने जीता। हमने क्या कहा? हमने कहा इन्होंने जो है वो कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया। इसे कहते हैं फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। खुद भी आप रिस्पेक्ट करें और आप दूसरी कंट्रीज को भी बोलें कि भाई नहीं, हमें ट्रीटीज के हिसाब से चलना है, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो चीजें हैं उनके हिसाब से चलना है। ठीक है, बट इट डज नॉट मीन that we should not push for the reforms in the international organizations. Why? Because 51B says just and honorable relations,
51B says just and honorable relations between nations. जब आप कहते हैं just and honorable relations तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि कोई कंट्री ऐसा ना हो जो inferior तरीके से ट्रीट किया जाए, कोई कंट्री ऐसा ना हो जो एक दूसरे से जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो, वेल्दी और पुअर कंट्रीज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, डेवलप्ड और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जब ये नहीं होगा तब इंटरनेशनल ऑर्डर ट्रूली जस्ट बन पाएगा. तो एक तरफ तो हमारे पास में 51C है, एक तरफ हमारे पास में 51C है जो क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटीज के लिए हम ऑब्लिगेशन हमारा रिस्पेक्ट रहेगी और हम जो हमारे उनको है उनको मानेंगे. लेकिन एक तरफ हमारा 51B है और 51B क्या कहता है, 51B कहता है कि हम स्टेट्स के बीच में जस्ट रिलेशंस प्रमोट करेंगे, मतलब कि उनके उनको अलाइक ट्रीट करने की बात करेंगे, उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस तरह से हम व्यवस्था करेंगे. और हमारे जितने भी यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स हैं, हमारे जितने भी यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो इसी 51B को अपहोल्ड करने के लिए हैं. हम वहां पर क्या बोल रहे हैं, डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन को एक जैसा ट्रीट करना है, डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे. फिर 51D क्या बोल रहा है, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन. आप क्या बोल रहे हैं, हम किसी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को शेयर करने के लिए वॉर नहीं करेंगे, को सॉल्व करने के लिए वॉर नहीं करेंगे. आप बोल रहे हैं कि हम किसी भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को सॉल्व करेंगे कैसे, मध्यस्थता से, आर्बिट्रेशन से. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. और इसमें भी एग्जांपल्स हैं, सीधे सीधे एग्जांपल्स हैं. कौन से एग्जांपल्स हैं, अफगानिस्तान एग्जांपल है, सीरिया एग्जांपल है, यमन एग्जांपल है. हमने वॉर करी थी, क्यों करी थी, क्योंकि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए की थी. क्योंकि हमारे बगल में आपका आपका हमारे बगल में जो है वो क्या हो रहा था, हमारे बगल में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहे थे, तो इसलिए हमने वॉर करी थी. ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहे थे, रिफ्यूजी क्राइसिस हो रही थी, इसलिए हमने उनको सपोर्ट करने की बात करी थी. दैट इज योर आर्टिकल 51. अब कुछ लोगों के डाउट थे, ध्यान रखिए आप अपने डाउट्स लिख दिया करें. मैं जब फ्लो में होता हूं तो मैं उस समय नहीं रुकता हूं, ठीक है. आईसीजे का चीफ जस्ट किसी भी कंट्री से हो सकता है, बिल्कुल रोटेशनल होती है चेयर. सर ई कॉमर्स वेबसाइट पर क्वाइन सेल होते हैं 19 सेंचुरी के, तो क्या ये इलीगल नहीं है, अगर उन्होंने सेल करने की परमिशन ले रखी है तो बिल्कुल ठीक है. अगर उसने आपने रजिस्टर नहीं कराया है तो क्या है? वो है ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं. इसका जो फ्रेमवर्क है बहुत क्लियरली डिसाइडेड नहीं होगा अभी ई कॉमर्स को लेकर के. वैसे भी बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं है, कोई फ्रेमवर्क हमारा नहीं है अभी ई कॉमर्स को लेकर के, ठीक है. क्योंकि यूएस सबसे ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर है. ह्यूमन राइट्स वायोलेशन तो म्यांमार में भी हुई थी, बिल्कुल म्यांमार में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हुई थी. लेकिन म्यांमार में क्या हुआ था ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के साथ साथ में, म्यांमार में हमने एक सस्टेन्ड लेवल पर वहां पर आर्मी से एंगेज होकर के डेमोक्रेटिक प्रोसेस लाने की कोशिश की, बट यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा हद से आगे बढ़ रही थी, ठीक है. पाकिस्तान में बहुत बुरी तरीके से रेप हो रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, और ह्यूमन म्यांमार के ह्यूमन राइट वायोलेशन से हम उतना ज्यादा बर्डन नहीं हो रहे थे. यहाँ पर हमारे पास करोड़ों लोग आ गए थे, ठीक है, शेल्टर को लेकर के लिए. पार्ट 5A, ये था आपका DPSP, ठीक है. भाई साहब, आई कैन नॉट एम्फेसाइज एनफ ऑन दिस, आपको ये रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है. तब की तब देखेंगे, ठीक है. फिलहाल सबसे बड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन USA ही करता है, ठीक है. तो आप ये ध्यान रखिए कि DPSPs आपको बिल्कुल पॉइंट बाई पॉइंट रटे हुए होने चाहिए. अब आते हैं कहाँ, अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पर. अब समझिए, DPSP क्या थी,
डीपीएसपीज थे कि स्टेट की क्या ड्यूटी होगी, डीपीएसपी थे स्टेट की क्या ड्यूटी होगी,